बच्चों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में, जिसमें हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर कर लिया था, ठीक है ना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बॉडी से बाहर जो पार्ट लगे हुए हैं उन्हें हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं, जिनका नाम वल्वा भी है, ठीक है। तो वहां तक पढ़ने से हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया था। वो पोर्शन क्या था? दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को बच्चों हमने कवर कर लिया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। क्या आएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। हेडिंग बनाओ बच्चों, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बनाए मेरे साथ साथ, ठीक है। अब बच्चों देखो, आपने एक चीज समझनी है कि अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की, तो अगर एनसीईआरटी की या मोस्ट ऑफ द आपकी जो नॉर्मल बुक्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उनके अंदर केवल एक ही ग्लैंड है और वो है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या है वो? बार्थोलिन ग्लैंड। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। उनके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती कहाँ है? हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर एक वर्ड पढ़ा था, वेस्टिब्यूल, ठीक है बच्चों, जिसे मैंने आपको एक डिप्रेशन बताया था कि फीमेल बॉडी के बाहर दोनों लेग्स के बीच में एक डिप्रेशन होता है जिसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने उसमें यह भी बताया था कि उसके बाहर लेबिया मिनोरा की कवरिंग होती है। क्या होती है? लेबिया मिनोरा की कवरिंग होती है। अब बच्चों देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, इट इज अ डिप्रेशन और एंड द एरिया बिटवीन द टू लेबिया मिनोरा, ठीक है ना। एरिया बिटवीन, क्योंकि पेयर में है लेबिया मिनोरा भी मेजोरा भी, बिटवीन टू लेबिया मिनोरा, ठीक है ना। जो छोटे वाला फ्लैप था उसके बीच में जितना एरिया बनता है वो क्या है? वेस्टिब्यूल है। और वो बच्चों एक डिप्रेशन है, आपने ये भी देखा था, ठीक है ना। चलिए तो हम वेस्टिब्यूल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल बच्चों एलमंड शेप होता है बेसिकली। मैं यहां पर बना रहा हूं आपके लिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टिब्यूल। इसके बाहर लेबिया मिनोरा, फिर उसके बाहर क्या आ जाएगा? लेबिया मेजोरा। और ये पोर्शन हमारा यहां पर क्या है? दैट इज क्लिटोरिस। याद है ना बच्चों, ये इस तरह से, दिस वन क्लिटोरिस, ठीक है ना। तो आज हम इन सब की बात नहीं करेंगे। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम केवल हमारे ग्लैंड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये हमारा ऊपर की साइड पर एक ओपनिंग थी, दैट इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, याद है ना आपको। ये हमारी क्या थी? वेजाइनल ओपनिंग थी, जिसे हमने वेजाइनल ओरिफाइस कहा था। क्या कहा था? वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है बच्चों। तो आपको अब यही मेजरली ध्यान देना है बेसिक कॉन्सेप्ट पर, कि जहां पर वेजाइनल ओरिफाइस होता है, जेनाइटल ओरिफाइस होता है, उसके साइड में दोनों तरफ एक-एक बड़ी ग्लैंड की ओपनिंग होती है, इस तरह से, ठीक है बच्चों। आप ये बनाए मेरे साथ ऐसे, ठीक है। ये जो दो ओपनिंग है यहां पर, ये किसकी ओपनिंग है? आपको ध्यान रखना है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। चलिए हम थोड़ी लेबलिंग करते हैं साथ साथ। दैट इज द वेस्टिब्यूल, द एरिया, ये एरिया हो गया ना बच्चों। देखो मैं अब यहां पे टिक करके इसे मिटा दूंगा, दिस एरिया इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, ठीक है ना। लेकिन हम इसे रब कर देंगे क्योंकि यहां पर हमें अभी अपने पार्ट शो करने, ठीक है। तो यहां मैं इसे क्या लिख रहा हूं? दैट इज द वेस्टिब्यूल, ठीक है बच्चों। दैट इज द यूरेथ्रल ओपनिंग,
ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई हमारी, उसके बाद दैट इज द क्लिटोरिस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप यहां पर इन्हें मेंशन करेंगे, दीज आर द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। क्या है ये? बार्थोलिन ग्लैंड, नाम लिखिए इसका, BARTHOLIN, बार्थोलिन ग्लैंड। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की या सिंपल बुक्स की, तो बार्थोलिन ग्लैंड ही बच्चों आपके सिलेबस में है। इसका नाम है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर, देखो वेस्टिबुली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ग्लैंड, ठीक है ना, ग्रेटर वेस्ट, लिखिए आप मेरे साथ, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्लैंड इसे हम बोलते हैं। सर फंक्शन क्या है इसका? बच्चों इसका जो फंक्शन है वो है हमारा म्यूकस सिक्रीट करना। क्या करती है ये? म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है, ये म्यूकस सिक्रीट करती है हमेशा। और ये म्यूकस क्या करता है सर? ये म्यूकस जो है ये लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो सके पेनिस की वेजिना के अंदर एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। यहां से म्यूकस सिक्रीट होता है ताकि हमारी जो वजाइना है वो अंदर से स्लिपरी हो जाए और पेनिस जब इंसर्ट हो तो उससे फ्रिक्शन ना हो, ठीक है ना, तो म्यूकस सिक्रीट करता है। अब बच्चों आप याद करो कि यही ऐसा ही म्यूकस एज अ लुब्रिकेंट किसने सिक्रीट किया था? मेल के अंदर कूपर ग्लैंड ने किया था, याद है ना, जिसे हमने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा था, याद है ना। तो यानी कि इट इज होमोलोगस टू, लिखिए इट इज होमोलोगस टू मेल कूपर्स ग्लैंड। देखिए बच्चों जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, इट इज होमोलोगस टू मेल कूपर्स ग्लैंड। यहाँ घर में बैठ के क्वेश्चन आएगा कि बार्थोलिन ग्लैंड किसके होमोलोगस है, या फीमेल के अंदर अगर हम कूपर ग्लैंड का फंक्शन देखें तो कौन प्ले करता है। इस तरह से थोड़ा सा पजल करके आपका क्वेश्चन आने वाला है, समझ आया? तो आपने याद रखना है बच्चों के जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो क्या है, कूपर्स ग्लैंड की से होमोलोगस है, क्योंकि दोनों की सिक्रीशन म्यूकस है और दोनों का फंक्शन लुब्रिकेट करना है। समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए हम आगे चलते हैं। इसी के साथ बच्चों जो हमारी ये हमारी यहां पर जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसके चारों तरफ नंबर में बहुत ज्यादा छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से, समझ आया? क्लियर? इन ग्लैंड्स को कहा जाता है स्किन्स ग्लैंड, SKEN apostrophe S। क्या कहा जाता है? स्किन्स ग्लैंड इन्हें कहा जाता है। चलिए मैं लिखता हूं, दीज आर द स्किन्स ग्लैंड। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज स्किन्स ग्लैंड, ठीक है। अच्छा चलिए, उसके बाद अगली जो नेक्स्ट ग्लैंड होती है बच्चों वो इन दोनों के बीच में होती है। कहां हम मेंशन करते हैं अभी? ये जो एरिया है, ठीक है ना, यहां पर बहुत छोटी छोटी बहुत ज्यादा नंबर में ग्लैंड्स होती है, इस तरह से, ठीक है। इनका नाम क्या है? लिखेंगे मेरे साथ, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्योंकि ये ग्रेटर थी तो ये क्या है, लेसर, छोटी है ना साइज में, ठीक है ना, LESER।
वेस्टिबुलर है यही ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हमारी लास्ट ग्लैंड की, जो बल्ब की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? बल्ब की फॉर्म में। ये यहां पर ओपनिंग पे, वेजाइनल ओपनिंग पे इस तरह से दो पेयर में ये बल्ब से प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, इनका नाम है बच्चों वेस्टिबुलर बल्ब। क्या नाम है? वेस्टिबुलर बल्ब, इन्हें हम बोलते हैं। बेसिकली ये ग्लैंड नहीं है, वेस्टिबुलर बल्ब। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। हो गया बच्चों यहां तक? ये ग्लैंड है आपकी, ठीक है। कौन कौन सी? नंबर वन बार्थोलिन ग्लैंड, नंबर टू स्किन्स ग्लैंड, नंबर थ्री लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड नंबर फोर वेस्टिबुलर बल्ब। ये पार्ट आपने पढ़ना है, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है कि सर स्किन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है। देखिए ये यूरेथ्रल ओपनिंग के पास है, इसीलिए इसका दूसरा नाम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी है। क्या है? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, और अब हमारा मेजर पॉइंट कि ये ग्लैंड जो है, दिस इज होमोलोगस टू। ये किसके होमोलोगस है? जैसे कि ये हमारी बार्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस थी कूपर ग्लैंड के, तो ये बच्चों होमोलोगस है, होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेटिक ग्लैंड, मेल प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल प्रोस्टेट। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, पूछा जाएगा कि बताइए कौन किसके होमोलोगस है, कौन किसके पैरेलल वर्क करती, इस तरह से क्वेश्चन बन करके आएगा। तो यानी कि स्किन्स ग्लैंड जो है वो मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस है। समझ आया आपको? उसके बाद अगर हम बात करें वेस्टिबुलर बल्ब की, वेस्टिबुलर बल्ब की, तो ये होमोलोगस है मेल पेनिस के। किसके होमोलोगस है ये? इट इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। ठीक है बच्चों, इट इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। क्यों सर ये होमोलोगस कैसे हो गया? क्योंकि बच्चों ये बना होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा का। किसका? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। स्पॉन्जियोसम पढ़ा था ना हमने, ठीक है। ये इसके अंदर भी ब्लड फिल होता है, और बेसिकली इसका फंक्शन पता क्या होता है? जब पेनिस की इंसर्शन होती है तो ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, ओपनिंग को थोड़ी टाइटनेस बनाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा वेस्टिबुलर बल्ब के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप एक पॉइंट और लिख लेंगे कि ऐसा नहीं है कि ओपनिंग क्लोजिंग को फीमेल अपने आप थोड़ा सा रेगुलेट नहीं कर सकती, कर सकती है। कैसे? क्योंकि यहां पर वेस्टिब्यूल के अंदर कुछ स्केलेटल मसल भी प्रेजेंट होती हैं। अब स्केलेटल मसल से मेरा मतलब बोन से नहीं है, स्केलेटल मसल वोलेंट्री होती हैं और वो हमारी विल से काम करती हैं। ठीक है ना, क्लियर। यहां पर कंस्ट्रिक्ट करने में, टाइटनेस करने में हल्का फीमेल का रोल भी होता है, ठीक है ना। वो क्यों होता है? तो आप यहां लिखेंगे वेस्टिब्यूल पोर्शन ऑल्सो हैव सम स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना, या कह सकते हो सम स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेस्टिबुलर पोर्शन, सम स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट, ठीक है बच्चों, इन वेस्टिब्यूल। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों हमारा ग्लैंडुलर पार्ट, किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है।
क्लियर हो गया, बना लिया सबने? चलिए, जिसका अगर एक दो पॉइंट रह गया है तो वो रिकॉर्डिंग से क्लियर कर ले अपना, ठीक है, आएगी आपके पास। तो बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज ब्रेस्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेस्ट। बच्चों देखिए, जो ब्रेस्ट है, जब एक बेबी का बर्थ होता है तो निप्पल उसके पास होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है और मेल के अंदर उनकी एनलार्जमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि अंदर ग्लैंड्स की डेवलपमेंट नहीं होती। क्या नहीं होती? अंदर ग्लैंड्स की डेवलपमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती सर? क्योंकि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या जरूरी होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। सेकंड टॉपिक ब्रेस्ट्स, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल के अंदर बनता है केवल, इसीलिए फीमेल के इस पोर्शन की डेवलपमेंट हो जाती है और मेल की डेवलपमेंट नहीं होती। क्लियर हो गया? तो कौन जरूरी हुआ? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है बच्चों। तो आप मेरे साथ पहले दो तीन पॉइंट लिखेंगे ब्रेस्ट के बारे में, मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे, लिखो। ब्रेस्ट आर राउंडेड स्ट्रक्चर और एमिनेंस। ब्रेस्ट क्या है? राउंड एमिनेंस सिज कहां प्रेजेंट है? लोकेटेड। अब देखो बच्चों, ये पोर्शन क्या है हमारा? थोरेसिक कैविटी। क्या है? थोरेसिक कैविटी। अब वो थोरेसिक कैविटी के फ्रंट पे है ना, हेड पोर्शन, नेक पोर्शन, थोरेसिक पोर्शन, एब्डोमेन पोर्शन। ब्रेस्ट यहां है तो थोरेसिक कैविटी पे हुई ना, क्लियर। तो लिखिए, लोकेटेड ओवर द पेक्टोरल मसल, लोकेटेड ओवर द पेक्टोरल मसल, कहां पर? इन द फ्रंट ऑफ, लिखो, इन द ऑन द सॉरी ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ थोरेक्स, ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ थोरेक्स, ठीक है बच्चों। थोरेक्स कैविटी के, थोरेसिक कैविटी के फ्रंट वॉल पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट बच्चों लिखेंगे, कहां से स्टार्ट होती है और कहां पर खत्म होती है, ठीक है ना। फर्स्ट रिब से इसकी स्टार्ट होती है डेवलपमेंट, और कहां तक जाती है? ये जाती है सिक्स्थ रिब तक, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट रिब टू सिक्स्थ रिब, ठीक है बच्चों, क्लियर। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका, आपको क्लियर होगा। उसके बाद इसकी एनलार्जमेंट जो है, लिख लेंगे आप बेशक सिंपल पॉइंट बना करके, छोटी सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। इसकी जो एनलार्जमेंट है बच्चों, वो एक अडल्ट फीमेल के अंदर कंप्लीट होती है, और जब एक फीमेल छोटी होती है तो उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि एस्ट्रोजन जब आएगा तभी वो क्या करेगा, उसकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ईच ब्रेस्ट हैज अ निप्पल, ईच ब्रेस्ट हैज अ निप्पल इन द मिडल या नियर द मिडल पोर्शन, नियर द मिडल पोर्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड दिस निप्पल
इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर पिगमेंटेड कलर्ड यानी के स्ट्रक्चर और पार्ट कॉल्ड क्या कहते हैं उसको एरियोला क्या बोलते हैं ए आर ई ओ एल ए देखिए निपल के आसपास जो उसके चारों तरफ एक डार्क पिगमेंटेड सर्कल होता है उसे बोलते हैं एरियोला ये कैसा होता है कलर अगर आप लिखना चाहें तो डार्क पिंक टू ब्राउन कलर कैसा होता है डार्क या डीप पिंक टू ब्राउन कलर ठीक है क्लियर हो गया नोट करना है बच्चों क्वेश्चन नहीं पता क्या आ जाएगा ठीक है सिंपल बातें छोड़कर सोच करके नहीं लिख कैंसल मत करना ठीक है चलिए अब बच्चों हम लिखेंगे ब्रेस्ट के अंदर सर होता क्या क्या है ठीक है ब्रेस्ट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ और कंटेन्स नंबर वन फैटी टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस फैटी टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस मेमरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड क्या होती है मिल्क ग्लैंड होती है मेमरी ग्लैंड्स आप इनको ब्रैकेट में मिल्क ग्लैंड भी लिख सकते हैं और बच्चों ये जो मेमरी ग्लैंड होती हैं ये मॉडिफिकेशन होती है किसकी स्वेट ग्लैंड की किसकी होती है स्वेट ग्लैंड स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती हैं कौन मेमोरी ग्लैंड ये क्वेश्चन आएगा ठीक है ना कि ये किसकी मॉडिफिकेशन होती है ठीक है ना अब फंक्शन लिखिए बच्चों कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है मेमोरी ग्लैंड को और एडिपोज यानी कि फैटी टिश्यू को सपोर्ट लिखिए कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट the memory gland and adipose tissue support किनको memory gland को भी और adipose tissue को भी क्योंकि ये fatty जो हुआ adipose हुआ ना adipose बच्चों कहीं भी word आ जाए उसका मतलब होता है fatty fat पढ़ा रखा है ना मैंने आपको ठीक है ना clear ये support करता है बच्चों connective tissue का function हो गया अच्छा अब सर फैटी टिश्यू का क्या फंक्शन है फैटी टिश्यू जो है बच्चों कवर करता है इस पूरे पोर्शन को बेसिकली अगर मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है मेनली मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट करना ठीक है ना मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट करना और इसका काम होता है इसे कवर करना ताकि स्मूथ हो जाए क्योंकि ब्रेस्ट काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ होती हैं ठीक है ना मेमरी ग्लैंड को सॉफ्टनेस मिले ठीक है ना इसीलिए ये यहां प्रेजेंट होती है कौन एडिपोज टिश्यू ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जो ग्लैंड्स हैं वो निपल पे जाके ओपन होंगी लेकिन निपल तक जाएंगी कैसे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट द ग्लैंड्स ओपन्स इनटू निपल बाय यहां लिख रहा हूं मैं एक दो पॉइंट ये हमारा रह गया है जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं मेमोरी ग्लैंड्स ओपन्स इनटू निपल बाय अब वहां तक जाना भी तो होगा ना लैक्टिफेरस डक्ट किसके थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट LACTIFEROUS Lactiferous duct क्लियर हो गया बच्चों ठीक है अभी हम डायग्राम बनाएंगे ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा अभी हमारे पास टाइम भी है ठीक है उसके बाद
अब हम लिखेंगे कि लैक्टिफेरस डक्ट कहां तक जाएंगी। देखिए बच्चों क्या होता है कि लैक्टिफेरस डक्ट ग्लैंड से शुरू होती हैं और आगे तक जाती हैं, लेकिन जहां पर निप्पल होता है उसके नीचे खाली साइनस बनता है। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं ताकि आपको क्लियर आए और आप केवल छोटे से पॉइंट में ही उस टॉपिक को समझ लें। चलिए तो बच्चों ये हमारी क्या है, ये हमारी थोरेसिक वॉल है, ठीक है, इस तरह से। आप सिंपली बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से अब स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ये लीजिए, इस तरह से। क्लियर है बच्चों? दिस इज आवर ब्रेस्ट, ठीक है। अब यहां सेंटर में नियर अबाउट मिड यहां पर क्या है बच्चों, दिस इज द निप्पल। निप्पल जो है मल्टीपोरस होता है, इसके यहां पर बहुत सारे पोर होते हैं ताकि मिल्क जो है इजेक्ट हो सके, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं क्या दिखा सकता हूं, रिब्स दिखा सकता हूं, जो हमने कंसीडर किया था अपनी थ्योरी के अंदर। अभी बच्चों देखो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, ताकि कोई डाउट ही ना रहे किसी को, ठीक है। अब यहां पर ये है सिक्स्थ रिब, ठीक है, ये कौन हो गई, फिफ्थ हो गई, ये कौन हो गई, फोर्थ हो गई, ये कौन हो गई, थर्ड, ये हो गई सेकेंड, और ये हो गई फर्स्ट, ठीक है। तो हम यहां मेंशन करेंगे इनको क्लियरली, अब सब कुछ मेंशन करेंगे यहां पर। अब उसके बाद बच्चों यहां पर हमारी मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। किस तरह से, हम वो प्रॉपर स्ट्रक्चर हम यहाँ नहीं शो करेंगे क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो केवल बच्चों आपके लिए मेजर पोर्शन कवर करना है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरह, कैसे मर्जी आप इनको सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दीज आर द मसल्स, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारा फैटी टिश्यू स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, जो मैंने कहा था कवर्स, कवर करता है मेमोरी ग्लैंड को। ध्यान से बच्चों आप स्ट्रक्चर को समझेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर से काफी कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, दीज आर द फैटी टिश्यू, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ये सारे के सारे क्या है, हमारे फैटी टिश्यू है नीचे तक, ये, ठीक है। और अभी बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था लैक्टिफेरस डक्ट की, अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। तो यहां पर बच्चों हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, दिस इज अवर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, अभी हम लेबलिंग करेंगे। और यहां पर पड़ी है हमारी मेमोरी ग्लैंड्स, दीज आर द मेमोरी ग्लैंड्स, ये लीजिए एक सेकेंड, दीज आर द मेमोरी ग्लैंड्स, ये कहीं कहीं पर रेंडमली हमारी ब्रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है। बेसिकली जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इन्हीं का काम है, हमने ये तो बताया ही नहीं ब्रेस्ट का काम क्या है, कि सर ये न्यू बॉर्न बेबी को, इन्फेंट्स को नरिश करने के लिए क्या बनाती हैं, ब्रेस्ट मिल्क की फॉर्मेशन करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कहीं कहीं पर क्या पड़ी होती है, मतलब
इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, है ना, सही है। तो इन मेमोरी ग्लैंड में से क्या निकल करके जाती हैं बच्चों, इस तरह से मेमोरी ग्लैंड्स में से लैक्टिफेरस डक्ट निकल करके जाती हैं, ठीक है, सब में से दीज आर द लैक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक है ना। अब आप इनको मेंशन कर सकते हैं कि ये कहां से निकली, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड से तो निकलेंगी ना बच्चों, है ना। तो ये हो गई बच्चों हमारी लैक्टिफेरस डक्ट। अब लैक्टिफेरस डक्ट देखो कभी निप्पल तक नहीं जाती, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हमारा एरियोलर पोर्शन हो गया। डायग्राम क्लियर है ना बच्चों आपको, ये हमारा क्या हो गया, दैट इज द एरियोलर पोर्शन। क्योंकि 3D डायग्राम तो मैं दिखा नहीं सकता ना आपको, यहाँ पर सिंपल सा टीचर हूं मैं, है ना, क्लियर। तो ये है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखो ये हो गया हमारा खाली स्पेस, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस, जहां पर बच्चों मिल्क आकर के स्टोर होता है, जहां पर मिल्क आकर के स्टोर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो आपने क्या लिखा था, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाह रहा हूं ये, तो थोड़ा सा आप स्पीड बनाइए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फटाफट, ये डायग्राम तो आप रिकॉर्डिंग में से भी ले सकते हैं, ठीक है, चलिए लिखो। जस्ट अंडर द निप्पल लैक्टिफेरस डक्ट्स वाइडन्स, चौड़ी हो जाती हैं, टू ओपन ऑन द निप्पल बाय लैक्टिफेरस डक्ट। ये ओपन हो जाती हैं लैक्टिफेरस साइनस पर, ठीक है, जहां पर हमारा मिल्क जो है वो इकट्ठा हो जाता है, दैट इज लैक्टिफेरस साइनस। क्लियर हो गया। तो आपको पता भी चल गया होगा कि लैक्टिफेरस साइनस है कहां पर, ठीक है बच्चों। तो आपको पता भी चल गया होगा कि लैक्टिफेरस साइनस है कहां पर और उसका वर्क क्या है। लैक्टिफेरस साइनस का काम है कि वो मिल्क को स्टोर करता है, ठीक है ना। कहां से आया, लैक्टिफेरस डक्ट लेकर के आई। चलो मैं रिपीट करता हूं बच्चों, इसको लेकर हाथ में ही लेकर के रिपीट करता हूं। हमने ये डायग्राम बनाया था, देखिए इसमें लेबलिंग कुछ नहीं है बच्चों, देखो ये पार्ट्स हैं, इसके स्ट्रक्चर है, ये हमारी रिब्स हैं, फर्स्ट रिब एंड सिक्स्थ रिब, ठीक है बच्चों। फिर हमने बताया मस्कुलर टिश्यू, फिर है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू हमेशा होल्ड करने का काम करता है मेमोरी ग्लैंड को। ये हमारी नेक्स्ट में मेमोरी ग्लैंड्स हैं सारी, ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड से निकली लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। फिर हमने बनाया एडिपोज टिश्यू यानी कि फैटी टिश्यू, जो हमारी इनके बीच में भी प्रेजेंट होता है, लैक्टिफेरस डक्ट के बीच में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका काम होता है कवर करना, किसको, मेमोरी ग्लैंड को, लैक्टिफेरस डक्ट को कवर करना, ठीक है। ये लैक्टिफेरस डक्ट मेमोरी ग्लैंड से शुरू होकर के निप्पल के नीचे आकर के खत्म हो जाती है, यहाँ पे एक साइनस बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टिफेरस साइनस, जहां पर मिल्क इकट्ठा होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो हमने ये बताया था अभी तक। चलिए अब बच्चों हमारे पास 15 मिनट हैं और हमारा जो है काफी मेजर पोर्शन, 20 मिनट हम लेंगे, काफी मेजर पोर्शन बचा हुआ है। वो माइक में ना मेरे पे हाथ लग गया होगा बच्चों, तो वो कैमरा पे चला गया, ये जो होता है ना कैमरा मोड पे चला गया, फोन मोड का खत्म हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं, अब तो क्लियर है ना, ठीक है। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर था किसका, ब्रेस्ट का। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि जो एक नर्सिंग मदर है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है 1 to 2 liters मिल्क पर डे, ठीक है ना, एक दिन में ये मिल्क इतना प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। अच्छा मिल्क जो है एक बहुत अच्छा फूड है बच्चे के लिए, वो बच्चों आप लैक्टेशन टॉपिक में पढ़ेंगे और थोड़ा सा मैं अभी भी आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब आप थोड़ी इसके बारे में कुछ मेजर पॉइंट लिखेंगे, लिखिए। इन अ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन
जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो कैसा होता है नॉन प्रेग्नेंट के अंदर? ग्लैंडुलर टिश्यू इज स्केंटी, SCANTY. लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखिए पता होना चाहिए ना कहां चेंज आया. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ग्लैंड्स जो हैं इन्फ्लुएंस में आती हैं किसके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के अंदर के इन्फ्लुएंस में. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ग्लैंड्स हैं इन्फ्लुएंस में आ जाएंगी, ग्लैंड्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. आप पूरा पूरा लिखेंगे एंड पर करा रखा है प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के किसमें आती है ये, इन्फ्लुएंस में आती है, तो इनकी डेवलपमेंट और शुरू हो जाती है. और जैसे ही एक बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है. अभी मैं पढ़ाऊंगा बच्चों आपको ये सब. ड्यूरिंग इन्फेंट यानी कि जो न्यू बेबी है, इन्फेंट्स INFANTS इन्फेंट्स बर्थ क्या होगा, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस द मिल्क. प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ा था ना आपने 11th में, प्रोलैक्टिन ठीक है ना, कहा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला था. प्रोड्यूस द मिल्क, प्रोलैक्टिन क्या करता है मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, मिल्क प्रोडक्शन. और जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क की इजेक्शन करवाता है, याद रखना बच्चों ये बनवाने के लिए होता है. और ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क इजेक्शन के लिए होता है, ठीक है समझ आ गया आपको यहां तक. चलिए तो ये था बच्चों कुछ मेजर मेजर पार्ट. और मीनोपोज, जब मीनोपोज हो जाता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है फीमेल के अंदर, तो ग्लैंड जो है एंट्रोपी मोड पे चली जाती हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ तो क्या होगी, अब डीजेनरेशन पे स्मॉलनेस और इनका नॉन फंक्शनल ये हो जाती है, ठीक है. चलिए अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों मेमोरी ग्लैंड फटाफट से जल्दी. अब हमारा 5 मिनट का टॉपिक रह गया है केवल, लेकिन हम अच्छे से करेंगे, ठीक है. हेडिंग बनाओ फटाफट से मेमोरी ग्लैंड. ये तो ब्रेस्ट के बारे में था, अब हम प्रॉपर किसके बारे में पढ़ेंगे, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है चलिए लिखो, ये क्या होती हैं, पेयर्स ऑफ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, जल्दी से मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, प्रेजेंट इन बोथ, मेल में भी प्रेजेंट होती है एंड फीमेल, लेकिन फीमेल के अंदर जो है डेवलपमेंट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है ना, डेवलप हो जाती है. डेवलपमेंट जो है ज्यादा हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन उनके अंदर होता है, ठीक है ना. और मोर प्रोमिनेंट आफ्टर प्यूबर्टी, ये मैंने आपको बताया था अभी. फंक्शन क्या है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड, फंक्शन लिखो फटाफट से, प्रोड्यूस न्यूट्रिटिव फ्लूइड, और वो फ्लूइड है क्या, दैट इज मिल्क, ठीक है. मिल्क के अंदर बच्चों होता क्या है, लिखो कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं लिखेंगे. नंबर वन कार्बोहाइड्रेट, किसकी फॉर्म में, लैक्टोज, आप पूरा लिखेंगे, मैं कार्बो लिख रहा हूं, दैट इज लैक्टोज, ठीक है. उसके बाद है बच्चों प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन,
कौन सा प्रोटीन होता है? पढ़ा था हमने कल सॉरी 11th में पढ़ाया था, कल तो है ना, आपको भी पढ़ाया था, चलो पिछले साल, कोई बात नहीं। केजीन प्रोटीन, CAESIN, याद है ना बच्चों, उसके ऊपर कौन एक्ट करता है? डाइजेस्टेड बाय रेनिन, है ना, मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं रेनिन, लिख लेना बच्चों आप यहां पे, डाइजेस्टेड बाय रेनिन, ठीक है। उसके बाद जो है लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिपिड के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयंस, कौन कौन से? कैल्शियम, लिखिए Ca2+, Pk+, Na+ एक्सेट्रा। विटामिन्स नहीं होते, लैक विटामिन्स। आयंस कौन कौन से? ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सारे के सारे उनके पास होते हैं, लैक विटामिन्स, ठीक है। अब बच्चों जब हमने इतना पढ़ी लिया तो एक वर्ड और आप लिखेंगे, दैट इज कोलोस्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज कोलोस्ट्रम, COLUSTRUM। कोलोस्ट्रम जो है बच्चों लिखेंगे, फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिलीवरी, जो मदर डिलीवरी होती है, मदर की बेबी जब बाहर आ जाता है तो जो सबसे पहला मिल्क बनता है, या आप बोल सकते हैं 1 से 2 दिन का मिल्क जो होता है उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। बच्चों ये थोड़ा पेल येलो कलर का होता है, कैसा होता है? फर्स्ट मिल्क, ठीक है ना, पेल येलो कलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? ये जो है इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, ये पहली बार बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी होता है। ये स्लाइटली, ये थोड़ा सा विस्कस भी होता है, नॉर्मल मिल्क से थोड़ा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है, कौन सी? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA, पता है ना आपको 5 टाइप की है, IgA होती है, जो बच्चे के अंदर जाकर के बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम नहीं होता, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो IgA, और IgA जो है अब जाएगी, तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटीबॉडी इंसर्ट करते हैं ना, तो उसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि कोलेस्ट्रम के अंदर IgA का होना किसका एग्जाम्पल है? पैसिव इम्यूनिटी। दो होती है बच्चों, हम आगे पढ़ाएंगे आपको, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी। अगर बॉडी के अंदर खुद एंटीबॉडी बने या बनवाई जाए उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, लेकिन अगर बनी बनाई डाली जाए बेबी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेरे अंदर, तो उसे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो बेबी के अंदर तो बना के डाली है ना मदर ने, इसीलिए इसे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब फटाफट से हम कवर करते हैं स्ट्रक्चर को कॉम्पिटिटिव मोड से, ठीक है। लास्ट 2 मिनट का हमारा टॉपिक रह गया है। एक्चुअल में अब ये पता चलेगा कि बेसिकली मिल्क की फॉर्मेशन होती कहां पर है, ठीक है ना। देखिए लोब्स जो है वो किसकी बनी होती है, लिखिए लोब्स। लोब्स किसकी बनी होती है, लिखो फटाफट से जल्दी। फॉर्म्ड बाय ग्लैंडुलर टिश्यू, फॉर्म्ड बाय, दो ही चीजें होंगी ना। अब ब्रेस्ट है, मान लो पोर्ट ब्रेस्ट है, इसके अंदर ये लोब होगी यहां पर, ठीक है ना, और एक दो लोब के बीच की जगह होगी, यही तो होगा ना। फॉर्म्ड बाय ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है बच्चों हमारा, दैट इज अ इंटरलोबुलर, दो स्पेस हुए ना, एक लोब्स ने ले लिया, एक इंटरलोबुलर हो गया, ठीक है ना, इंटरलोबुलर स्पेस हो गया ब्रेस्ट का, ठीक है। तो वो किससे बना होता है, लिखो, फैटी टिश्यू, ठीक है ना, किससे बना होता है? फैटी टिश्यू। और ये फैटी टिश्यू बच्चों रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज साइज ऑफ द ब्रेस्ट के लिए होता है, और दूसरा क्या होता है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है मेमरी ग्लैंड को और लैक्टिफेरस डक्ट को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लोब्स कितनी होती हैं और किस तरह से मिल्क की प्रोडक्शन करती हैं। लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ये, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट के अंदर जो लोब्स होती हैं बच्चों वो कितनी होती हैं? 15 से 20 लोब होती हैं। चलिए हम यहां लिख रहे हैं लोब्स,
ठीक है, इस तरह से आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। 15 से 20 लोब होती हैं, सही चल रहा है बच्चों? ठीक है, 15 से 20 लोब प्रेजेंट होती हैं। लोब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लोब्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं लोब्स, ठीक है। अब इसके अंदर कौन होते हैं? लोब्यूल्स। क्या होंगे? लोब्स के अंदर होते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, अब देखिए मैंने तीन एरो लगाए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर लोब के अंदर एक से ज्यादा लोब्यूल्स होते हैं, और अगर लोब्यूल्स नहीं होंगे तो कॉमन सी बात है, तो फिर लोब की डिवाइडेंस क्यों होगी? ठीक है ना, लोब के अंदर हैं लोब्यूल्स, और हर लोब्यूल के अंदर बच्चों होते हैं एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं एल्वियोली। क्या होती हैं? एल्वियोली। ठीक है, क्या होंगी बच्चों? एल्वियोली, ALVEOLI। ठीक है बच्चों, ये होती है एल्वियोली। अब एल्वियोली का काम क्या है? देखिए यहां जो मेजर फंक्शन है आप यहीं मेंशन करेंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ मिल्क की प्रोडक्शन कहां होती है, तो आपका आंसर होगा एल्वियोली ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि मिल्क को बनाती ही कौन है? एल्वियोली बनाती है। अब समझ आया? ठीक है ना, अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस कहां से बनाया। आपने 11th में पढ़ा था, आपने 11th में पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाती है ना, ये लो एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ने बनाया कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन बनाया? प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चों एल्वियोली के ऊपर काम करता है जाकर, ठीक है, और एल्वियोली फिर क्या करती है? मिल्क की प्रोडक्शन करती है। ठीक है, फिर ये कहां जाएगा? ये जाएगा मेमरी ट्यूब्यूल में। ये मिल्क कहां चला जाएगा? मेमरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये मिल्क चला गया मेमरी ट्यूब्यूल में। अब छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं, वो सारे जुड़ जुड़ करके क्या होंगे? बड़ी डक्ट बनेगी, दैट इज द मेमरी डक्ट। ये सारे जो हैं जुड़ जाएंगे आपस में और एक बड़ी डक्ट बनेगी जिसका नाम होगा मेमरी डक्ट। बन गई बच्चों मेमरी डक्ट। और जब मेमरी डक्ट आपस में जुड़ेंगी तो, या इनके जो एम्प्यूला बनेगा, एम्प्यूला क्या होता है? स्वोलन पार्ट। ठीक है ना, मेमरी डक्ट बच्चों जब आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती हैं? एम्प्यूला। क्या बनाती हैं? एम्प्यूला। ठीक है ना, ये एम्प्यूला बन गया, यानी कि मिल्क अब कहां आ गया? एम्प्यूला के अंदर आ गया। ठीक है, एम्प्यूला के अंदर आया तो ऊपर क्या हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हमने दो हार्मोन पढ़े थे ना 11th के अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से थे? एक था हमारा सोमेटोस्टेटिन और एक था हमारा एक था हमारा ऑक्सीटोसिन और एक था हमारा ADH, याद है ना। तो यहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कौन होगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ये ऑक्सीटोसिन जाकर के एक्ट करेगा किसके ऊपर? एम्प्यूला के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करेगा बच्चों? एम्प्यूला ऑफ ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एम्प्यूला के ऊपर जब ये फोर्स करेगा, लेकिन कैसे करेगा? देखिए यहां से ऑक्सीटोसिन आ गया, ऑक्सीटोसिन कहां से आया? हाइपोथैलेमस से मैसेज गया। जब बेबी ने निप्पल को सक किया, जैसे ही बेबी ने निप्पल को सक किया, जैसे बच्चों जब मैं आपको लैक्टेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ये हमारा नर्वस सिस्टम भी इसमें काम करता है, हॉर्मोनल सिस्टम भी काम करता है, और इमोशनल सिस्टम भी इसके अंदर काम करता है। मदर के अंदर से फीलिंग जो है वो हाइपोथैलेमस ने सेंस की, जिसने मैसेज भेजा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और वहां से उन फीलिंग से, वो फीलिंग कब आई? जैसे ही मदर का निप्पल बेबी ने सक किया। ठीक है, तो तभी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन जाकर के एम्प्यूला के ऊपर काम करेगा, और एम्प्यूला के अंदर से क्या होगा? बहुत सारी क्या निकलेंगी?
लैक्टिफेरस डक्ट, वही जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है बच्चों, तो लैक्टिफेरस डक्ट से के अंदर मिल्क आ गया। अब लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू कहां निकल जाएगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी या मदर ब्रेस्ट, किसके थ्रू, बाया वाया निप्पल, आउटसाइड वाया निप्पल। ठीक है, दोनों निप्पल्स के थ्रू, जब बेबी तो एक को ही सक करेगा ना, तो निप्पल के थ्रू क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा मिल्क। ठीक है ना, यहां पर आप ऐड करेंगे सिग्नल गिवन बाय हाइपोथैलेमस इन द रिस्पांस ऑफ सकलिंग ऑफ निप्पल, आप मेंशन करेंगे वहां पर। ठीक है, कॉमन सी बात है, इसलिए मैंने आपको सिंपली बता दी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चों यहां पर हम बात करेंगे, बेसिकली यहाँ ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, मिल्क की प्रोडक्शन पूरी हो जाती है जब वो बन करके मदर बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर बताया था कि निप्पल के चारों तरफ एक डार्क पिगमेंटेड सर्कल होता है, जिसे हम एरियोला बोलते हैं, बताया था ना, डीप पिंक और ब्राउन कलर का ये होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है सर, ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? तो बच्चों हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि इसके ऊपर ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है ना, देखिए उन ग्लैंड का काम क्या है, एंटी माइक्रोबियल ग्लैंड होती है, वो उनकी जो सिक्रीशन होती है वो एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशन होती है जो एरियोला के ऊपर प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स। क्यों सर? क्योंकि जब बेबी अपना म्यूकस, मुंह की लार, मदर की ब्रेस्ट को टच करता है तो अंदर से सकलिंग के बाद मिल्क भी आता है, तो वहां पे मिल्क भी एड हो जाता है। ये है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू, है ना, न्यूट्रिटिव पार्ट है या फ्लूइड है। तो जैसे ही वो मदर की ब्रेस्ट के ऊपर लगा रह जाएगा तो एयर के अंदर होते हैं बैक्टीरियाज, मदर बॉडी के ऊपर हैं बैक्टीरियाज, वो आकर के उसके ऊपर बैठेंगे। तो अब जब नेक्स्ट टाइम वो बेबी उसे सक करेगा तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया बेबी के अंदर चले जाएंगे या मदर को भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है ना, बेसिकली तो ज्यादा बेबी के लिए होता है। ठीक है ना, तो वो बैक्टीरिया बेबी के अंदर चले जाएंगे और बेबी बीमार हो जाएगा। तो इसीलिए वहां पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। जैसे ही बेबी वहां से हटेगा तो वहां पे थोड़ा मॉइस्ट सरफेस होगा, वहां पर वो क्या करेंगे, जितने बैक्टीरियाज वहां पर आएंगे उसको किल कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब बेबी निप्पल को सक करे तो उसके अंदर, या फिर बेबी के अगर मदर के निप्पल के ऊपर पहले ही क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, तो बेबी के अंदर ना जाए। क्यों? क्योंकि एंटी माइक्रोबियल जो सिक्रीशन है ये उन्हें किल कर देगा। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर क्या था, एरियोला। ठीक है ना, और एरियोला के ऊपर क्या है, ग्लैंड, और ये ग्लैंड क्या करती हैं, एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशन। सिक्रीट करती हैं, जिससे कि वहां पर रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो सब क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, हमने कहा था पेक्टोरल मसल से अटैच होती हैं, उन मसल का नाम क्या है बच्चों, पेक्टोरल मसल का नाम लिख लो, पेक्टोरल से ही पेक्टोरेलिस मसल, PECTORALIS, PECTORALIS, पेक्टोरेलिस मसल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर यहां पर आपका कोई डाउट है, अब मैं आपको दो मिनट दे रहा हूं, जो भी आपका डाउट है आप मेरे से ले सकते हैं।